सुबह सुबह देखिए मेरे घर में क्या बन रहा है। चटनी इसको छू नहीं सकते हैं, कल इतना डांट पड़ा है। बासी कपड़ा में आप जो है काई छू लिए। किशमिश उशमिश दे के अम्मा डूबी। घर का बना हुआ अम्मट है गाइस, घर में ही माँ जो है हमको पूरा रस निकाल के अम्मट घर का है, होम मेड अम्मट का जो है आज चटनी बन रहा है। छुए नहीं है, टेंशन न लो। सही बड़ा बनेगा। हाँ कल तो आप बोलिए दिए हैं पुलाव बनाने। इधर दही बड़ा का तैयारी है, जो है दही बड़ा छका गया है, छूना नहीं है। आलू फ्राई हो रहा है, इधर हो रहा है गोभी फ्राई, बनेगा पोला। और इसमें पड़ेगा क्या क्या आपको दिखाएंगे, रतन देंगे। हम इसमें 10 रतन दे रहे हैं। नवे रतन होगा, देखिए शिमला, मटर, है सोयाबीन, तीन है ना, देखिए गोभी 4, आलू 5, 5 कटहल 6, काजू 7, किशमिश 8 और पनीर 9। नवरत्न पोला बनेगा आज। एगो महारत्न देखिए ये रहेगा अम्बट। गाइस तो हवा में जो खुशबू है वो तैर रही है जबरदस्त। दिखाते हैं आपको अभी पोला को, जो तैयारी है लगातार चल रहा है। दही बड़ा भी लगभग बनने के तैयारी हो गया होगा। हमार कन्या लगलो छो, देखिए एकदम चावल एकदम शुद्ध घी जो फ्राई हो रहा है ना, पूरा माहौल बन गया। अच्छा फ्राई होगा तो भुंजा बन जाएगा, रहा। वही भुंजा। अच्छा भुंजा अंग्रेजी की होले फ्राई छाकलो छाकियो। हाँ छाकलो, इंग्लिश पता नहीं क्या। कटहर गोभी आलू सब इधर फ्राई हो गया। इधर मसाला देखिए, शिमला मिर्च भी है उधर, और इधर जो है पनीर, और इधर जो है मटर और मसाला रेडी है। और ये देखिए इधर फूल रहा है, पानी में डुबांग मार लिया है। तो भाई साहब अब स्नान ध्यान हो गया, फर्स्ट क्लास पूजा उजा हो गया, अब होगा क्या पेट पूजा। आइए इसको पहले निकाल के उसके बाद बैठाया जाए। मैडम कर रही है पूजा, इसलिए खुद से अपने से लेना होगा। है पोला एक नंबर मसाला वाला, इसमें इधर पापड़ अचार ये चटनी, और भाई साहब आय हाय दही बड़ा उठाया जाए और इसको मचोड़ा जाए। चीयर्स। सुपर टेस्टी बना भाई साहब, शुद्ध घी का पोला बनाइए और इसको क्या कीजिए मचोड़ लीजिए। बड़ा एकदम सॉफ्ट, इसको उसे उठाइए और इसको भी इसमें हल्का चटनी जो डाल दिया ना अम्मट वाला, आय हाय खट मीठा। आपने फॉलो किया नहीं किया, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए प्लीज, और शेयर भी जरूर कीजिएगा।